127 गज वो भी इस रेट में मिलना तो नामुमकिन है कि आगे आपके वार्डरोब्स ये देखिए बेडरूम्स की ओर, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट बेडरूम जो वॉलपेपर यहाँ पे यूज किया गया है, ऊपर फॉल सीलिंग। कैसा लगा आज का एलिवेशन आप सभी को? बहुत ही अच्छा लगा होगा उम्मीद करती हूँ। वैसे डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है, बहुत सुंदर एलिवेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा आज के इस घर का। तो आज का जो घर है वो 127 गज का है, 127 स्क्वायर यार्ड का है, और आज आपको लेकर आए हैं सनी इंटीरियर सेक्टर 124 मोहाली के अंदर नियर टू चंडीगढ़। यहाँ पे आज हम देखने वाले 127 गज में 3 BHK का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये घर, और बहुत अफोर्डेबल रेंज में, बहुत मतलब इस रेंज में आपको 100 गज के विलास आज के टाइम पे मिलते हैं हाईवे के पास। साइज बहुत अच्छा, ऊपर से गेटेड सोसाइटी है। तो चलिए बातें होती रहेंगे, एलिवेशन आप देख चुके हैं, काफी अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत एलिवेशन है। घर के अंदर पार्किंग की बात की जाए तो एक बड़ी गाड़ी की पार्किंग आपको अंदर मिल जाती है, आप अपने 2 व्हीलर इस तरफ को पार्क कर सकते हैं। घर के बाहर आपको वाइड रोड मिल रही है, सोसाइटी कुछ इस तरीके से बन रही है कि हर जगह ना आपको वाइड रोड देखने को मिलेगी, तो हॉच पॉच नहीं लगेगा, कंजेस्टेड फील नहीं आएगा आपको। गाड़ियों की पार्किंग आपको बाहर भी दी जा रही है, अंदर तो मिल रही है पर बाहर भी दी जा रही है, तब काफी अच्छा लुक आ रहा है। लाइट्स वगैरह आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर आ रही है लाइट। एंड देन धीरे धीरे बढ़ते हैं हम हमारे मेन एंट्रेंस की ओर। सबसे पहले ऊपर लाइट देखने को मिल रही है, हैंगिंग लाइट जो हम कहते हैं, हैंगिंग लाइट। बाहर सारा का सारा काम जो है टाइल का काम हमें देखने को मिल रहा है। और आपको मैं बता देती हूँ, पहले घर दिखाने से पहले ही मैं बता देती हूँ कि सेमी फर्निश्ड एंड फुली फर्निश्ड दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, बस थोड़ा सा प्राइस में डिफरेंस हो जाता है, अदर देन दैट आपको दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं। अब देखिए जो स्टेयर्स है फर्स्ट फ्लोर पे जाने की वो बाहर से ही है, इन केस आपकी छोटी फैमिली है आप ग्राउंड फ्लोर पे रह लीजिए, और जो फर्स्ट फ्लोर है उसको आप रेंट पे भी दे सकते हैं, रेंट आउट कर लीजिए, एक आपका जो इनकम है आपके खुद के घर से आता रहेगा। और ये तो देखिए टाइल्स, बाहर जो काम है पेंट नहीं किया गया है, टाइल दी गई है, टाइल वर्क ऐड कर दिया गया है, तो कल को आपको बार बार पेंट करने का स्यापा तो करना ही नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप ये देखिए बहुत ही सुंदर सा आपका डोर आ जाता है, सबसे पहले डिजाइनर डोर है विद डिजिटल लॉक, सो ये डिजिटल लॉक है जो आपका फिंगरप्रिंट या यू नो पासवर्ड के साथ ओपन होगा सिर्फ और सिर्फ। आ जाइए घर के अंदर। तो अंदर एंटर करते ही सबसे पहले आपका आता है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया, सो ये देखिए, और जो यहाँ पर कर्टन्स हो गए एंड आपका जो सोफाज हैं, सेंटर टेबल, जो वॉलपेपर यहाँ पे यूज किया गया है, ऊपर फॉल सीलिंग, एवरीथिंग मतलब सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के, बिल्कुल एक ना कलर कॉम्बिनेशन के साथ किया गया है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मतलब इकट्ठा किया गया है हर एक स्पेस को, तो मुझे अच्छा लग रहा है पर्सनली। ये देखिए इधर आपका ड्राइंग एरिया आ गया, यहाँ पे आपकी विंडो आ गई, कर्टन्स बहुत खूबसूरत, ऊपर आपकी फॉल सीलिंग विद LED लाइट, एंड इधर आपका वॉलपेपर काफ़ी अच्छा लग रहा है, वॉलपेपर भी बहुत सुंदर सा यूज़ किया गया है यहाँ पर। एंड उसके बाद इस तरफ को आपका आ गया डाइनिंग एरिया, सो ये डाइनिंग एरिया आपका आ गया। यहाँ पे जो डाइनिंग टेबल 6 सीटर डाइनिंग टेबल इंस्टॉल किया गया है काफ़ी अच्छा है, उसके बाद भी हमें काफ़ी सारी ना स्पेस बच जाती है मूव करने के लिए। एंड इधर आपका टीवी पैनल, ये आपका टीवी पैनल रहेगा बेसिकली, आप यहाँ पर अपनी टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। एंड नीचे आपको कैबिनेट्स दिए जा रहे हैं सो दैट कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स या समथिंग, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप यहाँ पर स्टोर कर लीजिए, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ना मिरर का ये जो सारा काम है, मिरर का काम है, बहुत सुंदर लग रहा है। और ऊपर आप देखिए फैन भी कितना ज़्यादा फैंसी सा फैन यूज़ किया गया है, फॉल सीलिंग अच्छी लग रही है, शैंडलियर काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, बहुत ही सुंदर। अब चलिए किचन की ओर बढ़ते हैं, आ जाइए। ये आ गया आपका किचन, तो ये मॉड्यूलर किचन आपका रहेगा। स्पेस की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा स्पेस है, देखिए यहाँ पे आपका फ्रिज आ जाएगा, इधर फ्रिज आएगा, और इतना सारा स्पेस आपको मिल रहा है। कैबिनेट्स आपके आ गए, लोअर कैबिनेट्स, अपर कैबिनेट्स, काफ़ी सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट के लिए आपके लिए सेपरेट बास्केट आ गए यहाँ पर। इधर आपके डबल सिंक आ गए, विंडो यहाँ पर आ गई सो दैट एक बाहर का व्यू भी आपका बना रहे,
और ऊपर आप देखिए यहाँ पे आपको LED लाइट्स मिल रही हैं, काफ़ी फैंसी सी लाइट्स भी यहाँ पे यूज़ की गई हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये तो था किचन, किचन काफ़ी अच्छा लगा। बढ़ते हैं बेडरूम्स की ओर। तो यहाँ पे आपका फोर्थ बेडरूम ये देखिए, तो 127 गज है। 127 गज के हिसाब से क्या साइज को, क्या स्पेस को यूटिलाइज किया गया, बहुत ही सही लग रहा है। ये आपका सेंटर में बेड आ गया, बेड बैक पे इधर काफ़ी अच्छा काम देखने को मिल रहा है। इसके बिल्कुल जस्ट सामने आपका TV पैनल आ गया, तो ये आपका TV पैनल रहेगा। ऊपर आपकी फॉल सीलिंग में LED लाइट्स हैं, और इस तरफ को आप देखिए यहाँ पे ये आपके वार्डरोब्स, वो भी स्लाइडिंग डोर के साथ। तो ये वार्डरोब्स आ गए स्लाइडिंग डोर के साथ। इसके बाद हम देखते हैं अटैच्ड वॉशरूम। तो इधर आपका अटैच्ड वॉशरूम आ गया, क्या बात है। फुल हाइट की टाइल्स यूज की गई हैं। इधर आपका आ गया वैनिटी एरिया, इधर आपको विंडो भी दी गई है। विंडो इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाथरूम के अंदर विंडो होना बहुत जरूरी है, सो दैट वेंटिलेशन भी बना रहे। सबसे ज्यादा वेंटिलेशन ऑब्वियसली। रूम की वेंटिलेशन की बात की जाए तो यहाँ पे एक विंडो दी गई है, मैश विंडो आ गया, ग्लास विंडो आ गया, सो दैट रूम के अंदर भी आपकी वेंटिलेशन बनी रहे। अब चलते हैं सेकेंड बेडरूम की ओर, जो कि बिल्कुल साथ में है। तो ये हमारा सेकेंड बेडरूम आ गया। ये बेडरूम भी काफ़ी अच्छा लग रहा है पर्सनली। इधर आपका वॉलपेपर आ गया, ये वॉलपेपर यूज़ किया गया है, ऊपर वुडन का काम ऐड ऑन कर दिया गया है। इधर ड्रेसिंग एरिया आ गया आपका, ऊपर फॉल सीलिंग विद LED लाइट्स, इधर TV पैनल, यहाँ पे आपका TV पैनल आ गया। एंड अब दिखाते हैं आपको वार्डरोब्स, और इधर आ गया आपके वार्डरोब्स, ये देखिए। अब लेके चलते हैं आपको अटैच्ड वॉशरूम की ओर, अटैच्ड वॉशरूम दिखा देते हैं। तो ये है आपका अटैच्ड वॉशरूम, यहाँ पे भी फुल हाइट तक की टाइल यूज की गई है, वैनिटी एरिया आ गया, एंड इधर आपको विंडो भी दी गई है। एंड आपके इसी बेडरूम से आपको पीछे वॉशिंग स्पेस का जो है एक्सेस मिल जाता है। तो ये आपका वॉशिंग एरिया रहेगा, आपका जो वॉशिंग मशीन है वो यहाँ पर आ जाएगा, जो क्लोथ्स की वॉशिंग है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं इजीली। तो ये तो था हमारा ग्राउंड फ्लोर। बढ़ते हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर, वहाँ पे हमें आपको एक और बेडरूम दिखाना है, एंड फ्रंट एंड बैक बालकनी भी देख लेंगे। आ जाइए ऊपर आते ही देखिए, सबसे पहले ये वाला स्पेस काफी अच्छा लगा मुझे, अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। ऊपर आते ही यहाँ पर देखिए, ये बेसिकली किचन के लिए स्पेस दिया गया है। अगर आपको किचन वगैरह बनाना है तो आप किचन बना सकते हैं। कल को आप रेंट पे दे रहे हैं किसी को फोर्थ फ्लोर पे, तो ऑब्वियसली उन्हें किचन भी चाहिए होगा, रूम से क्या करेंगे, किचन भी चाहिए होगा। तो बेसिकली किचन के लिए है, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो आपको कैसे यूज करना है इस एरिया को। ये बेडरूम आ गया। पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मुझे इस बेडरूम का ना साइज बहुत पसंद आया है, बहुत ही अच्छा साइज है, बहुत ही स्पेशियस साइज है। बेड बैक काफ़ी अच्छी लग रही है, ऊपर LED लाइट्स का काम भी है, इसके सामने आपका TV पैनल आ गया, यहाँ पे ये आपका TV पैनल आ गया, और काफ़ी अच्छा सा वॉलपेपर भी यूज़ किया गया है यहाँ पर। और ये आपका वार्डरोब एरिया, एंड देन इधर आपका अटैच्ड वॉशरूम है। ये डैश वॉशरूम आ गया, टाइल्स काफी अच्छी यूज की गई है, फुल हाइट तक की टाइल्स है। एंड इसी बेडरूम से ही आपको एक्सेस मिलता है आपके फ्रंट बालकनी का, और यहाँ पे आपका आ गया बैक बालकनी, ये देखिए। तो इतना स्पेस मिल रहा है आपको, और यहाँ से आपको सीधा छत का एक्सेस। तो ये देखिए इतना खूबसूरत एरिया और स्पेस काफ़ी अच्छा लगा मुझे पर्सनली। एंड ये जो सोसाइटी है यहाँ पर अभी ना बन रहा है, सब कुछ अभी बन रहा है, काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है अभी फिलहाल। आपके पास प्लस पॉइंट क्या है, आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि आप अपने मनपसंद आपका यूनिट आप चूज कर सकते हो। अभी जैसे काम चल रहा है तो अगर आपको कुछ इंटीरियर में चेंजेस कराने हैं, या यू नो वुडन आपको कुछ और करवानी है, कुछ भी आपको अगर कुछ अलग सा करवाना है, आपके दिमाग में कुछ अच्छे आइडियाज है, इससे भी बेटर आइडियाज है, तो वो आप करवा सकते हो। बट जब ये अभी काम चल रहा है, बट इसके बाद जब रेडी हो जाएगा स्ट्रक्चर, एक बार तैयार हो जाएगा, सारी चीज़ें अंदर हो जाएंगी, तब नहीं हो पाएगा, वो पॉसिबल नहीं होता है। बट अभी स्ट्रक्चर ही रेडी है, तो अंदर का जो काम है वो आप करवा सकते हो। तो ये तो था दोस्तों 127 गज का बहुत ही खूबसूरत CVHK का इंडिपेंडेंट विला, और काफ़ी प्राइम लोकेशन में, बहुत सुंदर जगह पे आपको लेकर आए हैं। घर भी बहुत सुंदर है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है। बाकी अगर कुछ भी जानना मुझे आपको नंबर लेना है, दोनों से कॉन्टैक्ट कर लेना है, अभी बस टीम को। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, शुक्रिया।